हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेंटो क्लासेस में। और हम आज बात करेंगे यूपीपीएससी की जो वैकेंसी एसटीए वाली, यूपीपीएससी एसटीए की जो एग्ज़ाम संपन्न हुआ 18 तारीख को, और 22 तारीख को आंसर की जारी किया गया, ऑफिशियल आंसर की जो जारी किया गया था। उसके बाद आयोग ने एक नोटिस जारी किया है और एक नोटिस निकाला है कि जो भी आपत्ति, अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपत्ति है तो आप उस क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन की आंसर के सहित, आप उसमें अपनी आपत्ति जाहिर कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो कि कुछ नोटिस भी आए हैं, जो कि आज न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको दिखाऊंगा कि देखिए आयोग ने क्या किया। इसमें दिया गया है कि सम्मिलित राज्य कृषि सेवा की उत्तर कुंजी जारी, मांगी आपत्ति। तो ये प्रयागराज का लोकल न्यूज़ है और इसमें जो कि यूपीपीसीएस ने अपना नोटिस दिया है वह देखिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी है। उत्तर कुंजी 27 अगस्त तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, वही 28 अगस्त शाम 5 बजे तक। ठीक है, आप 5 बजे शाम तक जो कि अपनी आपत्ति जारी कर सकते हैं, इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और आयोग की ओर से 18 अगस्त को प्रारंभिक परीक्षा जो कि संपन्न कराई गई थी, वस्तुनिष्ठ आधारित पेपर में सामान्य अध्ययन के 40 और कृषि के 80 प्रश्न थे। आयोग ने इस बार सभी सीरीज के प्रश्न पत्र के क्रम में उत्तर कुंजी जारी नहीं किए, इसके बजाय बार कोड आधारित एक ही प्रश्न के साथ उत्तर कुंजी जारी की। प्रश्न पत्र तथा उत्तर कुंजी 27 अगस्त तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी को यदि किसी सवाल के जवाब पर आपत्ति है तो वो 28 अगस्त तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को अपने जवाब के पक्ष में साक्ष्य भी लगाने होंगे। ठीक है, आपको प्रूफ भी देना होगा यहाँ पे कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन सही है और उसका ये प्रूफ है। देखिए यहाँ पे ये प्रूफ भी आपको देना होगा। अभ्यर्थियों को बार कोड आधारित प्रश्न पत्र में शामिल सवालों के क्रम में ही आपत्ति देनी है। ठीक है, ये एक पेपर की कटिंग थी। और दूसरे पेपर की कटिंग देखिए है कि कृषि सेवा परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा की कुंजी जारी कर दी गई है और आप अपनी आपत्ति जो कि 28 तारीख तक जाहिर कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा न्यूज़ देखते हैं कि आयोग ने क्या न्यूज़ दिया है। ये उसकी ऑफिशियल जो कि यूपीपीसीएस की ऑफिशियल ये जो कि नोटिस निकला है यूपीपीएससी एसटीए की। ठीक है, जो वैकेंसी थी उसकी नोटिस आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ये दिया गया है नोटिस। और इसमें जो कि बताया है कि सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो कि 18 अगस्त को आयोजित की गई थी, से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के समान अध्ययन व कृषि से संबंधित प्रश्न पत्र स्कैन कर प्रश्नों को उसके उत्तर आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 27 तक उपलब्ध है। प्रश्न पत्र पर सीरीज का अंकन न होने के कारण प्रश्न पत्र के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को हाईलाइट अंडरलाइन आयताकार खाने में, जैसे कि आपने देखा होगा कि कल जो आंसर की जारी हुआ था इस तरह का आयताकार खाने में दिया गया था आंसर। ठीक है, अभ्यर्थीगण आयोग द्वारा जारी प्रश्न पत्र पुस्तिका बारकोड संख्या इतना जिसमें सही उत्तर को आयताकार खाने में किया गया है, आधार पर अपनी प्रश्न पुस्तिका से अपने उत्तर का मिलान कर लें। यदि आयोग द्वारा जारी प्रश्न उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो बारकोड क्रमांक इतने की जारी प्रश्न पुस्तिका के प्रश्न की क्रम संख्या का उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप पर पूरा प्रश्न लिखेंगे तथा आयोग द्वारा जारी उत्तर तथा प्रत्यावेदन के रूप में प्रस्तावित उत्तर लिखेंगे। ठीक है, अतः इस संबंध में अभ्यर्थियों के हितों द्वारा सूचित किया जाता है कि वे आयोग द्वारा उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्नों एवं उसके उत्तर को देख लें। यदि उस उत्तर में कोई विसंगति प्रतीत होती है तो इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन आपत्ति, ठीक है, नीचे दिए गए प्रारूप पर प्रश्न व उत्तर के रूप से अनिवार्यतः समान अध्ययन विषय 1 से 40 तक, कृषि का विषय 41 से 120 तक होगी। अलग अलग प्रत्यावेदन जो एक साथ स्टेपल ना हो, ठीक है, आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, समान अध्ययन के लिए अलग और कृषि विषय के लिए अलग। आयोग को एक ही बंद लिफाफे में जो परीक्षा नियंत्रक अतिबो अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज उत्तर प्रदेश को संबोधित हो डाक द्वारा आयोग के काउंटर पर दिनांक 28 तक, ये डेट देखिए 28 तक के शाम 5 बजे तक ही होगी, किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करा सकते हैं बिना साक्ष के। अगर आप बिना प्रूफ के अगर आप इसमें आप करते हैं तो आपके, ठीक है, आपके उस आपत्ति पे कोई भी आयोग विचार नहीं करेगा। साफ साफ दिया है और आप नीचे देख सकते हैं इस तरह का प्रारूप होगा। यदि आपको किसी प्रश्न में आपत्ति है तो आप अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम, विषय का नाम लिख करके इस
क्रम के हिसाब से देंगे। इस क्रम में मतलब इसके नीचे आप लिखेंगे आयोग द्वारा जारी प्रश्न पत्रिका के बारकोड क्रम संख्या में प्रश्न संख्या लिखेंगे, यहाँ पे आयोग का उत्तर क्या है वो लिखेंगे, आपका उत्तर क्या है वो लिखेंगे और साक्षी यहाँ पे आप अपना प्रस्तुत करेंगे, ठीक। फिर अपना अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ करके और आपको लिफाफे में आयोग को यहाँ पे इस एड्रेस पे, ये जो एड्रेस यहाँ दिया हुआ है इस एड्रेस पे आप यहाँ पे इसको सेंड करेंगे, ठीक है। तो आज का यही न्यूज़ था, तो आप इसे ज़रूर कमेंट करिएगा कि अगर आपको कोई प्रश्न में आपत्ति हो तो किस प्रश्न में आपत्ति है उसका कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने गलत हुए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।